अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो जो भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो गाइस, अभी हमारा चुन्नू अजान दे रहा है तो मैं आपको करीब जाके उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। दोस्तों, आपने चुन्नू मुन्नू की आवाज़ तो सुन ली होगी। तो गाइस, अभी हमारी बैंटम बफ और असील बंद है, अभी इनको भी अभी छोड़ के हम दाना वगैरह दे देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने इनको दाना वगैरह डाल दिया है और आप देखें हमारा वाइट वाला कबूतर कहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसको जाके भगाते हैं, ऐसे ये उड़ के बाहर ही ना आ जाए। अभी जाली यहाँ पे लगाई हुई है तो बचत हुई है। तो यार, आपको ये अंडे नज़र आ रहे होंगे, ये भी देखें, ये और ये देखें एक पड़ा हुआ। तो यार, ये जो हमारी ज़ेब्रा फिंच पुराने वाली है ना, जो हमारी वो है वाइट फिंच, उसके दो अंडे थे ख़राब हो गए हैं। बाकी एक बच्चा मरा पड़ा था उसकी मटकी के अंदर, तीन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सलामत हैं। ये देखे डंगर हैं कस, ये देखे आप देखें, ये ऐसे करती हैं, इनकी टांगें बदल थकती, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, ये ऐसे बड़ा काम ख़राब करती हैं। फिर आराम से ना इधर बैठ जाती हैं, इस वाले कोने में आराम से आके सारा दिन फिर यहाँ पे बैठी रहती हैं। पहले अभी इन्होंने खूब घूमना है, कभी उधर जा कभी इधर आ, फिर जब थक जाएंगी तो फिर आराम से आके यहाँ पे बैठ जाएंगी। सारा दिन फिर इन्होंने यहाँ पे बैठे रहना है। फिर जब शाम का वक्त होगा, जब मैं इनको दाना देने आऊँगा दोबारा से, तो फिर आएँगी वहाँ पर, फिर थोड़ा सा दाना खाएँगी, फिर फौरी कमरे में चली जाएंगी, फिर रात हो जाती है। तो चले फिर हम इनको एंजॉय करने देते हैं, शायद ये ऐसे खुश रह रहे हो। मैं बात कर रहा था कि हमारी फिंच के तीन बच्चे हैं, छः अंडे थे, तीन दो अंडे ज़ाया हो गए हैं, एक बच्चा मरा पड़ा था और तीन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सलामत है। तो आपको चल के दिखाता हूँ यार बर्ड्स वगैरह। पहले इनको भगा लेते हैं, ये दाना नहीं खा रहे, मैं इनको दाना डाल के आया हुआ हूँ, चलो भाग जाओ। तो ये अब दाना दुना खा लें, फिर हम इनको बंद करके अपनी असील को छोड़ते हैं। एवें ये काम ख़राब करेंगे, एवें असील को चूज़ों को मारेंगे। तो बाकी ये देखें माशाल्लाह से हमारे बर्ड्स, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मेल, बाकी सारे ऊपर चिपक गए हैं, ये देखें। और बाकी ये बंगलाज देखे अपने मटकी के अंदर ही हैं, ये देखें आप। और ये देखे एक फीमेल, ये आपको नज़र है इसके, गाइस मैं बात कर रहा था ये फीमेल के बच्चे और अंडे ज़ाया हुए हैं। और बाकी अंडर एग्जीबिशन इस वाले घोंसले में गुस्सा हुआ है, ये भी देखे आप, अभी ऊपर होगा वो हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का सा। ये देखिए गाइस, अब ऊपर आ रही है, अगर आप गौर करें ना। चले हम इनको तंग नहीं करते, शायद इन्होंने भी अंडे दे दिए हों दोबारा से, पहला इनका क्लच तो ज़ाया हो गया था। बाकी इस बॉक्स में भी माशा से चार अंडे हैं और इसमें चार बच्चे हैं, और बंगलाइज बच्चा बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। इनका इतना बड़ा बच्चा है, बाकियों के इतने इतने हैं, ये दोनों बाई फीडिंग करवा रहे हैं बेबी को बहुत अच्छी तरह से। बाकी हमारी चिड़िया आप देख सकते हैं काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, इनको दाना वगैरह डाला था तो इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, और पानी भी इनको अभी फ्रेश डाला हुआ है। तो गाइस, हम सोच रहे हैं कि जाली को जंग आना स्टार्ट हो गया है, ये देखें ना से जंग आना स्टार्ट हो गया है। तो हम सोच रहे हैं इसको अब जाली को ला के पेंट वगैरह कर दें ताकि इसका जंग जो ख़त्म हो जाएगा, फिर जाली की बुनियाद थोड़ी सी और हो जाएगी। वैसे अभी जाली तो अच्छी काफ़ी मजबूत जाली हमने लगवाई है, तो फिर भी इसने ख़राब तो होना ही है, इस वजह से हम इसको पेंट कर देंगे ना, तकरीबन कुछ टाइम और गुजर जाएगी। चलें जी, तो गाइस हमने इनको बंद कर दिया, अब अपनी असील को छोड़ के दाना वगैरह देते हैं। ये देखिए पागलों की तरह ऐसे कर रहे हैं,
तो ये देखे चूजे हमारे दाना खाना स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह से, इनकी माँ भी खाना स्टार्ट हो गई है। तो इनको हम दाना खाने देते हैं, हम चलते हैं अपने पिजन की तरफ। चले जी अंदर चलते हैं। अरे अरे बैठ जाओ यार, क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो गाइस ये देखे दाना खा रहे थे तो मैंने आके इनको डिस्टर्ब कर दिया। चलो सारे कबूतर नीचे आ जाओ, अपने अपने दाना दो यार अपने अपने बच्चों को, जिन जिन के बच्चे निकले हैं। मैं गाइस हम इनको आराम से बैठ के यहाँ पे देखते हैं, अभी आएंगे दाना वगैरह खा लेंगे फिर। ये देखे दो आ गए, अब सारे आस्ता आस्ता आ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें माशाल्लाह से आ गया सारे, एक अपने कमरे में चला गया है और ये तीनों लड़ाई कर रहे हैं। ये देखें यार, आप लोग भी आ जाओ दाना खा लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और साथ में पैरट मारे बैठे हुए हैं। तो देखें माशाल्लाह से दाना खा रहे हैं। चलो ये हम अपनी वीडियो शूट करते हैं, ये इनका जब दिल करेगा दाना वगैरह खा लेंगे। तो ये देखें ऊपर वाली कबूतरी माशाल्लाह से दो अंडे दे दिए हैं, वो बैठी हुई है और नीचे भी कुछ भी नहीं है। ये देखें इसका दो एक बच्चा निकला था। बिस्मिल्लाह देख के यार, ये देखें चली गई उड़ के, इसने दो अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। तो ये देखें आप गाइस, यार लगता है इनका एक अंडा ख़राब है। देखिए अंडा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये देखें दोस्तों इनका लगता है एक अंडा ख़राब है। तो चले बिस्मिल्लाह, चलो आराम से यार बैठे रहो, मैं आपको तंग नहीं करता। और बाकी ये हमारे बच्चे और ये भी माशा कबूतरी अपने बच्चों में बैठी हुई है। तो साथ में हमारे गाइस पैरट आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पैर मटकी में गुस्सा हुआ है तो ये काफ़ी खुश है माशाल्लाह से। तो गाइस बहुत दिल बुरा हुआ है कि एक अंडा हमारा बिल्कुल ठीक, एक बच्चा निकला हुआ और एक अंडा हमारा ख़राब हुआ है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल मिनी फार्म को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलो कबूतरों आप नीचे आ जाओ जल्दी से, आके दाना खा लो, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।